इंडिया गठबंधन की सभा में मंच पर बैठे तमाम नेतागण, तमाम उपस्थित हजारों हजार किसान नौजवान माताओं और बहनों, एक गांव में बिल्ली के जाप्पा हो गया। बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे थे, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। सारे आम खास में चर्चा हो गई, रुका पड़ गया। भी बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं, नारे लगा रहे हैं मोदी जिंदाबाद। उन्होंने एमएलए को फोन करा, एमएलए आ गया। एमएलए ने आकर के खूब ताली बजाई, बोले एक तरफा माहौल है, बिल्ली के बच्चे भी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे। एमएलए ने एमपी को फोन कर दिया। एमपी बेचारा दो तीन दिन टिकट लाने गया हुआ था दिल्ली, टाइम नहीं मिला, चौथे दिन आया। हाँ, तेजू गांव में गया और उस घटना स्थल पर गया। जाते देखा तो बिल्ली के बच्चे कह रहे थे मोदी मुर्दाबाद। अब एमपी बड़ा बिफरा और बड़े गुस्से में कहा कि तुम तो कह रहे थे जिंदाबाद कर रहा है, ये तो मुर्दाबाद कह रहे हैं। बोले क्या बताएं साहब, पहले इनकी आंख बंद थी, अब इनकी आंख खुली है। भाई भाषण तो हो गयो पूरो, भाषण तो इतनो ही है। आंख खोल लो, वोट देयो अग्निवीर के खिलाफ, वोट देयो ओपीएस के पक्ष में, वोट देयो बे 2019 का 40 जवान जगांगी शहादत ले ली। और बेंगे बाद में भावना भड़का के चुनाव जीते, वो विस्फोटक सामग्री कठू आई अजय तक कोनी बताई। वोट देयो बेंगे खिलाफ, वोट देयो बे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खिलाफ, जका बॉन्ड ले लिया, जको आदमी मोदी और शाह, तीन बेंगा गुंडा, एक आईटी, एक सीबीआई और एक ईडी, जका लोगांगी अठों कुणी पकड़े, रग बंद कर दे, रागो मुट्ठी खुलवा ले और हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर ले, बैंगे खिलाफ वोट देने की जरूरत है। वे लोग भारी भरकम चंदो देंगे, आपके पक्ष की नीति बनावे, अपने पर महंगाई थोपे, अपने पर बेरोजगारी थोपे, अपने पर सांप्रदायिकता थोपे, अपन लड़ावे और देश में भगवान राज स्थापित करने की साजिश रच ले। साजिश का शिकार सीकर का लोग दो बार पहली हो चुके हैं। मैं तो थाने फिर आंख खोलने आया हूं, कहते आंख खोलो, अरे भूल रहा क्यों हो, सीता को हरण हो, मां सीता को हरण हो, जिया तीन काला कानून आया, ए धरती को हरण करनो चाहवा, भी आई सीता को हरण हो, वो भी हरण करना हो भगवान रंगो मोड़ो हो। हे सीकर के लोगों, हे राजस्थान में बिजली की लड़ाई लड़ने वाले पुरोधाओ, हे राजस्थान में सामंतवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोगों, मैं आज आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। हम चूरू जीतेंगे, तुम सीकर जीत के दिखाओ। वो कहते हैं कि राजस्थान की 25 की 25 जीतेंगे। अगर चूरू जीती, सीकर जीती, झुंझुनू की सीट इंडिया गठबंधन की जीती, नागौर की सीट इंडिया गठबंधन की जीती, तो गंगानगर तो आप अपने साथ दोपहरे में साथ गिन लेना, क्योंकि गंगानगर वो किसानों का इलाका है जो सबसे ज्यादा खड़ा हुआ था कड़े कानूनों के खिलाफ। राजस्थान की फिजा बदलेंगे, इंडिया गठबंधन के लोगों साथ मिलकर के लड़ेंगे। सब बातें भूलनी होंगी, पीछे कौन किसको कहता था, कौन किसको क्या कहता था, आज हमें समझना पड़ेगा। देश विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न थातियों का हिंदुस्तान आज इंडिया गठबंधन के अलायंस के साथ बचा सकते हैं, वरना मोदी और शाह
जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने के साथ साथ हमारे आरक्षण को खत्म करने के सवाल पर, हमारे संविधान को बदलने के सवाल पर वो नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मैं तो कह रहा हूं, अगर इंडिया गठबंधन के सारे लोग ईमानदारी से हर चुनाव की तारीख पर बूथ पर जाकर के वोट पोल करेंगे तो ना मोदी जीतेंगे ना शाह जीतेंगे, 2004 की तरह हम फिर इंडिया गठबंधन का राज बनाएंगे, किसान और कमीरे का राज बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत आभार पूनिया साहब। पूनिया साहब ने एक जिक्र किया 14 फरवरी 2019 की उस घटना का, जिस दिन हमारे देश के 40 सैनिकों ने सीमा पे बिना युद्ध लड़े आतंकी हमले के अंदर अपनी शहादत दी थी। देश के अलग अलग हिस्से में उनकी शव यात्राएं चल रही थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे पे कमल नहीं, उन 40 सैनिकों की शहादत को लेकर जनता के बीच में जा रही थी और देश के युवाओं से प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे कि जो पहली बार मतदाता हैं वो शहादत के नाम पे एक वोट दें, उसका अगर कोई पर्दाफाश किया तो तात्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जिनके इंटरव्यू आप सब देखते हैं और सीकर की धरा से हम सब ने देखा है, अगर कोई नाकामी को इस मुल्क के सैनिकों की शहादत को सत्ता के लिए काम ले ले, उन्हें करारा जवाब इस सीकर की धरा से दिया जाएगा। और बलवान जी पूनिया साहब, आप चुरू जिताएं लेकिन सीकर के साथ में विजय का मुकाबला, जीत का फर्क कितना होगा ये जरूर कमर कस लेना। सीकर के लोग खड़े होकर ये बता देंगे।